नहीं, मैं तो जो भी कस्टमर मेरे पास आता है उसको बोलता हूँ कि अगर कोई भी बोलता है कि मैं बैंक ऑफ इंडिया से या कहीं से बैंक से बोल रहा हूँ या कहीं से बोल रहा हूँ, मुझे ओटीपी दीजिए, तो ओटीपी तो देना नहीं है किसी को। किसी से जानते हैं, बबलू जी है, प्रोपरेटर है ग्राहक सेवा केंद्र से। और इन दिनों जो है सोशल मीडिया के समय में बहुत ऐसे जो है फर्जीवाड़ा चलते हैं। किसी भी दुकान में अगर कोई अगर ग्राहक जाते हैं रुपया को निकासी करने के लिए, तो 10 के बदले में उसको 10,000 गवाना पड़ता है। इसलिए अब जो है अगर आप बेरो से अगर बिलोंग करते हैं या किसी जगह से अगर बिलोंग करते हैं नज़दीकी में, तो अगर आपको जो है किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, 10 के बदला 10,000 गवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आइए, खाता को खुलवाइए और अपना लाभ लीजिए। यहाँ पर हम वीकली आधार का भी सेवा देते हैं सर, उसमें भी जो आजकल सर बहुत ऐसे लोग हैं जो जब एटीएम से जाते हैं रुपया निकालते हैं, आप तो बैंक से जुड़े हुए हैं, जानकारी है आपके पास, तो एटीएम से जाते हैं रुपया निकालते हैं, उनको जो है फर्जीवाड़ा किसी और लोग जो है कर लेते हैं, 10 के बदला 10,000 गवाना पड़ता है। उन सभी ग्राहकों को आप क्या कुछ संदेश देंगे जो उन सभी ग्राहक वहाँ से जो है किसी के बहकावे में नहीं जा करके आपके संस्थान में यहाँ आ। बहुत ऐसे ग्राहक है जो बैंक ऑफ इंडिया में अगर किसी और बैंक में जो है स्टेटमेंट जाँचने के लिए उसको जो है अपडेट कराने में जो है बहुत सारी परेशानी होती है, क्या उन परेशानी आपके बैंक ऑफ इंडिया में ग्राहक सेवा में नहीं किसी ग्राहकों को देखने को मिल रही है? नहीं नहीं सर, मुझे तो वीकली है कि आप मेरे पास नहीं, मेरा लिंक ब्रांच डुमड़ा है, आप आ जाओ, फ्राइडे मेरा वो रहता है वर्किंग डे ओनली फॉर पासबुक का ही सर। पासबुक लेनी हो या अपडेट करानी हो, कई तरह की इशू होती है वहाँ भी आपको होती है, तो मैं हूँ आपके साथ। और बात रही, मैं जब तक हूँ अच्छा सेवा दूंगा और देने का कोशिश करूंगा। बहुत ऐसे बैंक पर जो है बैंक मैनेजर हो कि स्टाफ हो, खाता खोलाने के नाम पर रिश्वत की मांग करती है, क्या उन सभी चीज़ों को लेकर आप नहीं नहीं सभी ग्राहकों को जो है रूबरू करवाते हैं? नहीं नहीं, यहाँ मेरे भी कस्टमर इतने सारे कस्टमर हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हम लोग का ना कोई अकाउंट ओपनिंग में कोई डिमांड है, ना कोई निकासी में कि मुझे ऑर्डर दीजिए 1,000 निकला है 10 देना पड़ेगा, इस तरह का कोई मेरा ऐसा इशू नहीं है सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं MDP लाइव न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ छोटू सरकार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेरो में। जैसा कि आप सभी दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर जो है ग्राहकों का ताता लगी हुई है, आइए जानते हैं यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक सेवा के प्रोपराइटर से जो उनका क्या कुछ प्रतिक्रिया है। बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक सेवा जो कि इनका ब्रांच डुमरा में है, डुमरा से चलकर यहाँ पर जो है बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक सेवा है, चलिए इनसे जानते हैं। बबलू जी है, प्रोपराइटर है ग्राहक सेवा केंद्र से। और इन दिनों जो है सोशल मीडिया के समय में बहुत ऐसे जो है फर्जीवाड़ा चलते हैं, किसी भी दुकान में अगर कोई अगर ग्राहक जाते हैं रुपया को निकासी करने के लिए, तो 10 के बदले में उसको 10,000 गवाना पड़ता है। इसलिए अब जो है अगर आप बेरो से अगर बिलोंग करते हैं या किसी जगह से अगर बिलोंग करते हैं नज़दीकी में, तो अगर आपको जो है किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, 10 के बदला 10,000 गवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आइए, खाता को खुलवाइए और अपना लाभ लीजिए। चलिए जानते हैं बबलू जी से, बबलू जी ग्राहक सेवा केंद्र में क्या सब जो है ग्राहकों को जो है सुविधा दे रहे हैं। सर, पहली बात तो यह है कि देखिए, यहाँ जो है रूरल एरिया है, यहाँ तो कोई बैंक नहीं था, एक UBGB बैंक है जहाँ की कस्टमर को कैश की बहुत ज़्यादा समस्या होती थी। तो मुझे आइडिया लगा कि बेरो बहुत कंफर्ट जगह है और अच्छी जगह है, यहाँ पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है और जहाँ तक सेवा दिया जाए इन लोग को अच्छा से अच्छा, तो हम लोग चाहते हैं कि जितना कस्टमर को सेवा मिले। यहाँ सर कैश जो है किसी भी बैंक की निकासी करते हैं, कोई किसी पे चार्ज नहीं है सर। दूसरी बात, अकाउंट खुलवाने में भी कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं है सर। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर हम वीकली आधार का भी सेवा देते हैं सर, उसमें भी जो आजकल सर बहुत ऐसे लोग हैं जो जब ATM से जाते हैं रुपया निकालते हैं, आप तो बैंक से जुड़े हुए हैं, जानकारी है आपके पास, तो ATM से जाते हैं रुपया निकालते हैं, उनको जो है फर्जीवाड़ा किसी और लोग जो है कर लेते हैं, 10 के बदला 10,000 गवाना पड़ता है। उन सभी ग्राहकों को आप क्या कुछ संदेश देंगे जो उन सभी ग्राहक वहाँ से जो है किसी के बहकावे में नहीं जा करके आपके संस्थान में यहाँ आ सकेंगे? नहीं नहीं, मैं तो जो भी कस्टमर मेरे पास आता है उसको बोलता हूँ कि अगर कोई भी बोलता है कि मैं बैंक ऑफ इंडिया से या कहीं से बैंक से बोल रहा हूँ या कहीं से बोल रहा हूँ, मुझे OTP दीजिए, तो OTP तो देना नहीं है किसी को। किसी भी कोई भी ऑफिसर या बैंक स्टाफ हो या कोई मतलब गवर्नमेंट सेक्टर किसी भी तरह का हो, तो वो OTP नहीं लेता, फ़ोन से मांगता है, ठीक है। अगर कोई आपको OTP मांगता है तो OTP नहीं देना है, मैं हर कस्टमर को ये संदेश देता हूँ। दूसरी बात, बात रही निकासी की, जहाँ पैसा निकालते हो उनसे स्लिप जरूर लें। तो यहाँ पर जो है आप बेरो में ग्राहक सेवा केंद्र खोले हैं, यहाँ की ग्राहकों को क्या सब फीडबैक मिल रहा है? यहाँ सर मैं बोला आपको कि निकासी में देखिए अभी भी फिलहाल यहाँ का फीडबैक बहुत ही अच्छा है और कस्टमर भी बहुत अच्छे हैं, आते हैं, बहुत बिहेवियर है। और मैं तो अभी मान के चलिए कि नज़दीकी मैं हेमपुर से बिलोंग करता हूँ, जो कि मुझे हेमपुर वाला ही प्यार मुझे यहाँ मिलता है, कस्टमर से भी, यहाँ की जनता से भी। और बात रही, मैं जब तक हूँ अच्छा सेवा दूंगा और देने का कोशिश करूँगा। बहुत ऐसे बैंक पर जो है बैंक मैनेजर हो कि स्टाफ हो, खाता खोलाने के नाम पर रिश्वत की मांग करती है, क्या उन सभी चीज़ों को लेकर आप नहीं नहीं सभी ग्राहकों को जो है रूबरू करवाते हैं? नहीं नहीं, यहाँ मेरे भी कस्टमर इतने सारे कस्टमर हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हम लोग का ना कोई अकाउंट ओपनिंग में कोई डिमांड है, ना कोई निकासी में कि मुझे ऑर्डर दीजिए 1,000 निकला है 10 देना पड़ेगा, इस तरह का कोई मेरा ऐसा इशू नहीं है सर। अगर आपके बैंक में अगर कोई आदमी अगर ज़्यादातर रुपया रखेंगे, तो उनको कितना % आप जो है इंटरेस्ट दे रहे हैं?
सर जो ब्रांच का जो सेविंग अकाउंट पे है सर, उसका तो मान के चलिए 4% के लगभग मिलता है। बाकी हम लोग का भी FD है जो कि सीनियर सिटीजन का भी है, 6% है, 7% है, अलग अलग है, ये जिस हिसाब से है आप कितने दिन के लिए फिक्स करते हैं, सब इस तरह का है सर। बहुत ऐसे ग्राहक है जो बैंक ऑफ इंडिया में अगर किसी और बैंक में जो है स्टेटमेंट जाँचने के लिए उसको जो है अपडेट कराने में जो है बहुत सारी परेशानी होती है, क्या उन परेशानी आपके बैंक ऑफ इंडिया में ग्राहक सेवा में नहीं किसी ग्राहकों को देखने को मिल रही है? नहीं नहीं सर, मुझे तो वीकली है कि आप मेरे पास नहीं, मेरा लिंक ब्रांच डुमरा है, आप आ जाओ, फ्राइडे मेरा वो रहता है वर्किंग डे, ओनली फॉर पासबुक का ही सर। पासबुक लेनी हो या अपडेट करानी हो, कई तरह की इशू होती है वहाँ भी आपको होती है, तो मैं हूँ आपके साथ। चलिए यहाँ पर जो है हम बबलू जी से मुखातिब करवा दिए हैं, बबलू जी का क्या कुछ कहना है? अगर आप नज़दीकी से बिलोंग करते हैं, अब जो है 10 के बदला 10,000 नहीं गवाना पड़ेगा, यहाँ आ जाइए और खाता खोलवाइए। और स्टेटमेंट बात रही कि पासबुक को जो है अपडेट कराने को लेकर, तो कहीं नहीं जाना है, इनसे आप संपर्क कीजिए, ये आपको खुद जो है डुमरा बैंक से जो है रूबरू करवा कर सभी बातों को लेकर जो है पूरा स्टेटमेंट देंगे। और यहाँ पर चलिए कुछ ग्राहक मौजूद है, ग्राहक से जानेंगे जैसे बैंक ऑफ इंडिया में तक खोलल गए या की सब मदद मिल रही है? सही सुविधा है, सही सुविधा जी, बेहद भी बहुत अच्छा, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो है कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है, प्रोपराइटर का क्या कुछ जो है दृश्य देखने को मिल रही है? नहीं ठीक है, अच्छे हैं, अच्छा समझाते हैं।